जय श्री राम मित्रों, भक्त वत्सल भगवान की कृपा। भगवान भक्त के ऋणी कैसे हो जाते हैं? निस्वार्थ भाव से भगवान की भक्ति प्रभु को ऋणी बना देती है। ऐसी भक्ति सौभाग्य को जन्म देती है। ऐसा भक्त इहलोक और परलोक दोनों जगह पूजनीय बन जाता है। मित्रों, एक भक्त थे, उन्होंने भगवान का नाम जपते हुए जीवन बिता दिया, पर भगवान से कभी कुछ नहीं मांगा। एक दिन वे भक्त बांके बिहारी मंदिर गए, पर ये क्या, वहां उन्हें भगवान नहीं दिखे। वे आसपास के अन्य भक्तों से पूछने लगे कि आज भगवान कहाँ चले गए। सब उनकी ओर हैरानी से देखते हुए कहने लगे, भगवान तो ये रहे, सामने ही तो हैं, तुझे नहीं दिखते, तू अंधा है क्या? उन भक्त ने सोचा कि सबको दिख रहे हैं, मुझे क्यों नहीं दिख रहे? मुझे ये सब दिख रहे हैं, भगवान ही क्यों नहीं दिख रहे? ऐसा विचार कर उनका अंतःकरण ग्लानी से भर गया। वे सोचने लगे, लगता है कि मेरे सिर पर पाप बहुत चढ़ गया है, इसलिए मुझे भगवान नहीं दिखते। मैं इस शरीर का अंत कर दूंगा, आखिर ऐसे शरीर का क्या लाभ जिससे भगवान ही ना दिखते हों। ऐसा सोचकर वे यमुना में डूबने चले। इधर अंतर्यामी भगवान एक ब्राह्मण का वेश बनाकर एक कोढ़ी के पास पहुंचे और कहा कि ऐसे ऐसे एक भक्त यमुना को जा रहे हैं, उनके आशीर्वाद में बहुत बल है, यदि वे तुझे आशीर्वाद दे दें तो तेरा कोढ़ तुरंत ठीक हो जाए। यह सुनकर कोढ़ी यमुना की ओर दौड़ पड़ा, उन भक्त को पहचान कर उनका रास्ता रोक लिया और उनके पैर पकड़कर उनसे आशीर्वाद मांगने लगा। भक्त कहने लगे, भाई मैं तो पापी हूँ, मेरे आशीर्वाद से क्या होगा? पर जब बार बार समझाने पर भी कोढ़ी ने पैर न छोड़े तो उन भक्त ने अनमने भाव से कह ही दिया कि भगवान तेरी इच्छा पूरी करे। ऐसा कहते ही कोढ़ी बिल्कुल ठीक हो गया, पर वे भक्त हैरान हो गए कि यह चमत्कार कैसे हो गया। वे अभी वहीं स्तब्ध खड़े ही थे कि साक्षात भगवान सामने आ खड़े हो गए। उन भक्त ने भगवान को देखा तो अपने को संभाल न सके और रोते हुए भगवान के चरणों में गिर गए। भगवान ने उठाया, वे भगवान से पूछने लगे, भगवान यह आपकी कैसी लीला है? पहले तो आप मंदिर में भी दिखाई न दिए और अब अनायास आपका दर्शन ही प्राप्त हो रहा है। भगवान ने कहा, भक्तराज आपने जीवन भर जप किया पर कभी कुछ नहीं मांगा, आपका मुझ पर बहुत ऋण चढ़ गया था, मैं आपका ऋणी हो गया था, इसीलिए पहले मुझे आपके सामने आने में संकोच हो रहा था। आज आपने उस कोढ़ी को आशीर्वाद देकर अपने पुण्य पुंज में से कुछ मांगा, जिससे अब मैं कुछ ऋण मुक्त हो सका हूँ, इसलिए मैं आपके सामने प्रकट होने की हिम्मत कर पाया हूँ। वे भक्त धन्य हैं जो भगवान का नाम तो जपते हैं पर बदले में भगवान से कभी कुछ नहीं मांगते। एक बार भगवान श्री कृष्ण शयन कक्ष में कुछ खोज रहे हैं, बार बार तकिए को उठाकर देख रहे हैं, नीलाभ वक्ष पर रह रहकर कौस्तुभ मणि झूलने लगती है। रुक्मणी जी का प्रवेश होता है। रुक्मणी जी कहती हैं, प्रभु आज्ञा करें, दासी के होते हुए द्वारिकानाथ स्वयं क्या खोज रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण बड़ी व्याकुलता से कमर पर हाथ रखकर बोले, देवी यहीं पर रखे थे वे वस्त्र, कहाँ गए वे वस्त्र? प्रभु की आंखों में अश्रु भर आए। रुक्मणी जी कहने लगी, कौन से वस्त्र स्वामी? आपके शयन सज्जा की सेवा दासी ही करती, प्रभु कैसे वस्त्र थे? श्री कृष्ण बोले, वे ही जो हमारे सुदामा पहन कर आए थे, हमने रात को तकिए के नीचे रखे थे। रुक्मणी जी ने कहा, आपकी व्यवस्था में कोई कैसे हस्तक्षेप कर सकता है? विप्रदेव के वस्त्र यहीं रखे हैं, आप विराजे मैं देती हूँ। देवी रुक्मणी ने धुली हुई फटी धोती, एक झोली नुमा वस्त्र खंड दोनों को प्रस्तुत कर दिया। श्री कृष्ण बोले, किंतु देवी ये वस्त्र हमें क्यों नहीं दिखे? माता रुक्मणी ने कहा, क्षमा करें नाथ, आज आपके मित्र जा रहे हैं, सो मित्र वियोग के कारण आपके नेत्र सजल हो गए हैं, अश्रुपूरित नेत्र होने के कारण वस्त्र अदृश्य रह गए होंगे।
भगवान श्री कृष्ण वस्त्रों को हृदय से लगाते हुए बोले, धन्य हो देवी। उत्तरीय पर अश्रु बिंदु टपक पड़े। रुक्मणी जी ने कहा, द्वारिका नाथ के मित्र द्वारिकाधीश के राजमहल से इन्हीं वस्त्रों को पहनकर प्रस्थान करेंगे। भगवान बोले, हाँ देवी, आए भी तो इन्हीं को पहन कर थे। रुक्मणी ने कहा, ये कैसी लीला है स्वामी, जब विप्रदेव आए थे तब और बात थी, अब कुछ और है। अब पूरी द्वारिका जानती है कि वे आपके बाल सखा हैं, प्रिय मित्र हैं। भगवान ने कहा, शांत क्यों हो गई, बोलो ना, अपने प्रियजनों की कथा सुनना किसे प्रिय नहीं लगता। रुक्मणी जी ने उत्तरीय से प्रभु के आंसू पोंछे। रुक्मणी माता कहने लगी, जिसके प्रेम में प्रभु के आंसू नहीं रुक रहे हैं, उन्हें इन्हीं वस्त्रों में विदा करेंगे कृपा निधान। जब नगर के राजपथ पर द्वारिकाधीश के साथ एक निर्धन ब्राह्मण को रथ पर बैठे देखेंगे तो महाजन, राज्य कर्मचारी और प्रजाजन क्या कहेंगे। आपकी भक्त वत्सलता को सारा संसार जानता है। मेरी विनती है कि ब्राह्मण देवता द्वारिकाधीश के मित्र की भांति पूरे ऐश्वर्य के साथ प्रस्थान करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हमारे भक्तों का हमारे ऐश्वर्य के साथ कोई संबंध नहीं है, कभी था भी नहीं। रुक्मणी माता ने कहा, हमारा तो है प्रभु, हमारी प्रार्थना पर विचार करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, वही तो कह रहा हूँ देवी, कहीं हमारे ऐश्वर्य से गरीब सुदामा का प्रेम आच्छादित न हो जाए, कहीं प्रभुता के समक्ष मित्रता लज्जित न हो जाए। देवी, सुदामा यदि धनवान होकर लौटा तो इससे अधिक लज्जाजनक बात उसके लिए कोई न होगी। रुक्मणी माता ने कहा, किंतु लोग आपको क्या कहेंगे, आपके द्वार से दरिद्र कभी दरिद्र नहीं लौटा, भिखारी कभी भिखारी नहीं लौटा, और आपके मित्र। भगवान श्री कृष्ण बोले, और तुम हमारे मित्र को भिखारी बनाकर लौटाना चाहती हो, तुम चाहती हो लोग कहें कि द्वारिका के राजा कृष्ण ने दरिद्र सुदामा को धनवान बनाकर विदा किया। लोग सोचेंगे सुदामा वैभव की याचना लेकर द्वारिका आया था, ये असत्य है, असत्य है। मेरे मित्र सुदामा ने कभी धन वैभव की याचना नहीं की, कभी नहीं की। इतिहास कहेगा, सुदामा कृष्ण के द्वार का भिखारी था। असंभव ऐसा कभी नहीं होगा, यह हमारे स्वभाव के विरुद्ध है, हमारे प्राण के प्रतिकूल है। रुक्मणी माता ने कहा, क्षमा करें दया सागर, क्षमा करें। द्वारिकावासी जब कहेंगे, महादानी यदुवंश चंद्र श्री कृष्ण अपने बाल सखा को एक पीतांबर भी न पहना सके, द्वार से विप्र को नंगे पांव विदा कर दिया, तब हम इन उपलम्भों को कैसे सहन करेंगे। भगवान कृष्ण आंखों में विवशता भर कर बोले, हम विवश हो गए हैं महारानी, हम क्या करें। हम जानते हैं, इतिहास कहेगा कि वृष्णिम वंश के एक प्रतापी नरेश ने अपने एक मित्र को अत्यंत विपन्न स्थिति में अपने द्वार से विदा कर दिया, किंतु इतिहास यह कभी न कहेगा कि जिनके चरणों को कृष्ण ने अपने आंसुओं से धोया, उस ब्राह्मण को अपने द्वार से खाली हाथ क्यों विदा कर दिया। हम जानते हैं देवी। रुक्मणी बोली, नाथ, जिनके स्वागत के लिए आप नंगे पांव दौड़ते गए थे, वे विप्रदेव क्या नंगे पांव ही राजपथ पर। भगवान कृष्ण ने कहा, देवी, हमारी व्यवस्था को समझने का प्रयत्न करो, क्या हम मित्र को मित्र के द्वारा भिखारी बन जाने दें। हमारा प्रिय सुदामा हमें चार मुट्ठी चावल देकर जा रहा है, उसके सहज स्नेह और वैराग्य ने हमें अपने हृदय में बंदी बना लिया है। भगवान अश्रुपात कर रहे हैं और आगे कहते हैं, उन चार मुट्ठी चावलों का प्रत्युत्तर देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसे ही भगवान बन जाते हैं भक्तों के ऋणी, जिनके भगवान भी ऋणी हो जाते हैं। ऐसे भक्तों के चरणों में इंसान अपना माथा टिकाता है। तो बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय, जय श्री राम। मित्रों,
ये कथा आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए, जय श्री कृष्ण लिखिए। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई कथा नया प्रसंग लेकर, तब तक के लिए जय श्री राम।